वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आपके आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आप सब लोगों को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी सबके ऊपर कृपा बनाए रखें, साथ में मेरे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें। तो बस नवरात्र के पहले दिन का ये वीडियो है, लेकिन लेट से जा रहा है क्योंकि इस तरह नवरात्र में काम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सुबह एकदम मॉर्निंग का समय है, तो इस मैंने बेटे के लिए बना दिया था पनीर भुजिया, साथ में रोटी बना दिया था, तो उसके लिए लंच हो गया था। बेटी को लंच मिल ये शाम में जो है बेटी ने ढोकला बनाया था तो वही रख दिया था, तो बस इसको मैंने थोड़ा सा फ्राई कर दिया था जीरा और जो है सरसों डाल के, तो ये उसका लंच रख दिया था। बेटे के लिए पनीर भुजिया और पराठा रख दिया था, तो वो लेके चला गया था। सबके जाने के बाद फिर शुरू होता है मेरा काम, तो फिर मैं नहा धो के आ गई थी। तो आज अच्छे से पूरी जो है क्लीनिंग भी सब की थी, तो थोड़ा सा टाइम लग गया था, तो 8 से ऊपर हो गया था नहाने धोने में। जबकि पूजा जितनी ही जल्दी आप करें उतना ही ज़्यादा आपके लिए भी अच्छा रहता है, हमारे लिए भी अच्छा रहता है। नवरात्र में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, मतलब पूजा पाठ में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो बस अपनी अपनी तीय अच्छा भी लगता है, पूजा करना मन को शांति मिलती है, बस अपनी श्रद्धा से सब कुछ होता है। तो बस नहा धो के आके मैंने जो है बाकी का जो भी काम था उसे जो है निपटा लिया था। निपटा लेने के बाद जो है अब मुझे करनी थी पूजा, क्योंकि जो भी क्लीनिंग का आज मैं और बेटी मेरी व्रत थे और जो है दो बच्चे नहीं थे तो अपना स्कूल चले गए थे, तो बस उनके लिए पनीर भुजिया रोटी बना देती थी, दोपहर में उनके लिए कुछ अलग से बना दूंगी, जो व्रत वाला है वही खा लेंगे वो। फिर आ गई थी तो सबसे पहले मैंने माता रानी के जो भी वस्त्र थे सब जो है सारे भगवान जी लोगों का वस्त्र मैंने साफ कर दिया था, साफ करके डाल दिया था। जब तक वो सूख रही थी, तो इस समय धूप इतनी तेज़ हो रही है कि 5 से 10 मिनट में सारे सूख जाते हैं। फिर सूख गया था तो मैं तुरंत ही ले आके सारे लगा दी थी, अच्छे से क्लीन कर दिया था। क्लीन करने के बाद सारे पोछ उछ के रख दिया था, चूंकि ये सब काम तो एक दिन पहले करना था, लेकिन मौनी अमावस्या इसी में पड़ गया था, तो उसका जो है सारा काम करने में और थोड़ी सी भावर ज़्यादा 108 बार देने में थोड़ा थक जाता है, तो थोड़ी तबीयत भारी हो गई थी, तो मैं नहीं कर पाई थी। तो मॉर्निंग में ही सोचा था कि सुबह में ही चलो सब कर लेंगे जो भी है धीरे धीरे, तो बस ये भी कर लिया था। तुरंत ही कपड़े धुल के डाले थे, तुरंत ही सूख गया था, तो लाके लगा के और उसके बाद सबको माला आज सब पहना के फिर मैंने तुरंत ही पूजा कर लिया था। वैसे हस्बैंड जो है सुबह पूजा करके चले गए थे, लेकिन बस मैं झाड़ू लगा के पोछा लगा देती हूँ, तो बस वो पूजा कर लेते हैं, बर्तन आज साफ करके भोग लगा देते हैं, पूजा कर लेते हैं। तो पूजा वो डेली करते हैं, मुझसे पहले वो करते हैं क्योंकि उनको एकदम सुबह जाना रहता है, तो सुबह वो कर देते हैं, तो हम जो है अस्थिर भी रहते हैं। तो चलो किसी ने भी दिया और बाती कर दिया है तो लेट से भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं रहती, किसी किसी मैं ही जल्दी कर देती हूँ और छुट्टी के दिन मैं करती हूँ क्योंकि तब वो लेट तक सोते हैं। तो बस यही सब है हमारा जो है काम, माता रानी की कृपा से सब कुछ अच्छा रहे, सब परिवार में सब लोग स्वस्थ रहें सुरक्षित रहें, बस हमारी यही मनोकामना होती है, सबका अच्छे से बीते। और ये वाली नवरात्र का काफ़ी ज़्यादा उस नवरात्र से उसको मैं 9 दिन का व्रत रहती हूँ, कलश भी रखती हूँ, लेकिन इसमें मैं जो है सिर्फ पहले और लास्ट दिन रहती हूँ क्योंकि गाँव जाना रहता है, हम लोगों के रामनवमी की पूजा होती है, तो कलश रख देने के बाद कहीं जाया नहीं जाता है, तो इसलिए मैं इसको नहीं रखती हूँ। तो बस अभी जो है जाना है 17 तारीख को है, तो देखिए कब जाना है। तो बस ये हो गया था, साथ में मैंने जो है आरती कर ली थी।
आप सब लोगों को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है नवरात्र का पहला दिन। चैत्र नवरात्र का काफ़ी ज़्यादा महत्व है हम लोगों के यहाँ। तो आज पहला दिन है, व्रत है, तो ये वाला नवरात्र हम सिर्फ मतलब पहले दिन लास्ट दिन करते हैं, क्योंकि गांव में जाके नवमी पूजन करनी पड़ती है और भी कई सारे काम होते हैं, तो इसलिए कलश में स्थापना नहीं करते, सिर्फ वो अक्टूबर वाले नवरात्र में करते हैं। तो सभी लोग सुबह जो है स्वयं बेटा चले गए थे, टिफिन आज सब कुछ दे दिए थे। फिर पूरी किचन की जो है देखिए, पूरी किचन की फिर से क्लीनिंग किए हैं, जो भी व्रत वाला बर्तन वर्तन है सब धुल के फिर गए हैं। तो नहा के पूजा आध हो गया है, अभी 9:30 हो रहे हैं। तो बेटी भी व्रत है, वो भी व्रत है, अभी सोई है, बोली है कि उसने पर वो भी रहेगी, तो दो लोग व्रत हैं। तो बच्चों के लिए जो भी बनाना था मैंने बना दिया, दोपहर को जो भी हम अपने लिए बनाएंगे वो भी खा लेते हैं। तो अभी चलते हैं, चाय आज काढ़ा भी नहीं पिए थे क्योंकि नहाने के बाद ही सूची की व्रत है। तो अभी चल रहे हैं, चाय बनाएंगे, थाल मखाना और मूँगफली जो है भुनेंगे। तो बस आगे देखिए क्या क्या करते हैं। तो अभी जो है रात में किचन जो साफ किए थे उसका सारा सामान वही चौकी पर पड़ा हुआ है, सुबह से टाइम नहीं मिला कि उसको रात में छोड़ दिए थे कि किचन अच्छे से सूख जाए, तो बस मतलब लगाए नहीं है। तो अभी सारा पोछ पोछ के उसको भी लगाना है, लेकिन पहले चाय पी लेते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई है। तो चलिए आप लोगों को एक बार फिर से नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। पूजा करके आके सबसे पहले मैंने साबूदाना को भिगो दिया था क्योंकि बेटी बोली थी साबूदाना का खीर बनाने के लिए, भी वो उठ गई थी, नहाने चली गई थी। फिर इधर मैंने जो है ताल मखाना और मूंगफली को थोड़ा सा लाल काली मिर्च और नमक डाल के भून लिया था, घी में इधर चाय बना लिया था दोनों लोगों के लिए। तो बस चाय और ताल मखाना का मूँगफली हम दोनों लोगों ने जो है नाश्ता कर लिया था। काफ़ी ज़्यादा अच्छा और टेस्टी भी नाश्ता होता है, हैवी भी होता है, साथ में ताल मखाना काफ़ी ज़्यादा फायदा करता है। तो किसी भी मतलब मौसम में आप ताल मखाना खा सकते हैं। तो बस टीवी चला दिया था, मैं कुछ देख भी रही थी, साथ में चाय पीती जा रही थी इंजॉय करके कि चलो इसके बाद जो है फलाहार जो भी बनाना होगा। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, 10:30-11 बजने वाले थे। तो बस ये है। तो फिर उसके बाद जो है मैंने चाय पी लेने के बाद जो है अभी सोचा था कि साबुदाना जब तक फूलेगा तब तक मैंने रात में जो क्लीनिंग की थी उसका सारा सामान मैंने यहाँ चौकी पे रखा था। तो उसको भी साथ ही साथ मैंने जो है सबसे पहले सारे कपड़े लेके अच्छे से पोंछ दिए थे, जो गंदा था उसको जो है निकाल दिया था डिब्बों को, धुल दूंगी। वैसे सारे साफ थे लेकिन फिर ऊपर से सारे पोंछ पाछ के मैंने जो है इसको ले जाके लगा दिया। उसके बाद मैंने रख दिया था दूध, दूध अच्छे से खोल जाने के बाद मैंने इसमें जो है डाल दिया था साबुदाना। तो बस ये साबुदाना मैंने आधा डाला था खीर बनाने के लिए, और इस सबको मेरे घर साबुदाना की खीर बहुत ज़्यादा पसंद है। उस तरह भी मैं व्रत न रहने पर भी इसको बनाती रहती हूँ रात के खाने में। हस्बैंड को भी काफ़ी पसंद है, बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद, और साबुदाना वैसे भी हेल्दी होता है तो आप किसी भी तरह उसको खाएंगे तो ठीक रहेगा। तो बस इधर गैस को मैंने लो कर दिया था ताकि खीर मेरी बनती रहे, और इधर मैं आ गई थी चादर बदलने, तो सारे रूम का चादर निकाल के इधर मशीन भी चालू कर दिया। तो आज ही सुबह मैंने फ़ोन करके मिस्त्री को बुला के मशीन बनवाया था, क्योंकि जो है अब आज चादर याद काफ़ी ज़्यादा धुलनी थी और वो हाथ से संभव नहीं होता है, यानी हाथ दर्द करने लगता है, तो मैंने फ़ोन किया तो आके बना गया था। तो बस इधर मशीन जो है 15 दिन के बाद मेरा चालू हुआ था। तो और इधर जो है फिर बच गए थे, शाम हो गई थी तो बेटी को भूख लगा था, 4 बजे थी, तो बस मैंने उसके लिए बना दिया था आलू का करारा सूखा भुजिया। थोड़ी देर तो मतलब 10 से 15 मिनट वहाँ लगा है। वहाँ शंकर जी दुर्गा जी सबका मंदिर है, दिया हुआ जला के आए हैं, यहाँ पर भी दीपक बाती हो गया है, अभी फलाहार बना रहे हैं। इस समय साबुदानी की जो है तारी बनाई है, भले ही बेटी खाना नहीं खाती लेकिन आज उसको भूख लग गया है, तो तारी बनाएंगे साबुदानी की और साबुदानी की खीर बनाएंगे। तो तारी बनाने के लिए रख दिए हैं, उसके बाद जो है खाना बनाएंगे हस्बैंड और बच्चों के लिए रोटी और सब्जी। तो अभी तारी उधर हो रहा है, तो चलिए मिलते हैं तारी बना लेते हैं। हाँ दिया था जो साबुदाना भिगोया था उसी का तहरी आलू डाल के, बेटी को पसंद है मुझे भी पसंद है। तो बस ये हो गया था हमारा रात का व्रत वाला खाना। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय, थैंक यू, जय माता रानी।